हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पांच सीक्रेट ऐप एंड वेबसाइट जो बहुत ही ज्यादा हिडन एंड सीक्रेट है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे वहां देखते हैं डिटेल्स में जो क्या है एप्लीकेशन और कौन सी वेबसाइट है जो काफी सीक्रेट, काफी हिडन, काफी खुफिया है। बहुत मेहनत से ढूंढ कर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम नए सिम परचेस करते हैं तब क्या होता है, कौन जो सेलर होता है वो क्या करता है, हमारी आईडी पे दो सिम निकाल देता है, तीन सिम निकाल देता है। हमें पता ही नहीं कि हमारी आईडी पे कौन सी सिम चल रही है। तो आप चेक कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आप लोग वहां से बंद भी कर सकते हैं अगर आप उन नंबर को जानते नहीं है जो आपकी आईडी पे एक्टिवेट है। गलती यूज हो सकता है, मिस यूज हो सकता है, तो आप लोग अभी चेक कर लीजिए TACOP.digitelecom.government.in। ये दोस्तों ये गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, यहाँ पे बताया गया कि आप लोग सीधे यहाँ पे करना है। यहाँ पे करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे एक नंबर डाल देना कोई सा भी जो आपके आईडी पे है, और उससे सब नंबर आ जाएगा जो भी आपकी आईडी पे होगा। उसके बाद मैं सेंड ओटीपी कर दूंगा, ओटीपी से इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों ओटीपी आ गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे अपना। चलिए यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे ओटीपी डाल दिया, ठीक है, ओटीपी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है विद डेट, आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए दोस्तों ये सारा नंबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वो सारा नंबर आ गया है जो इस नंबर से जो और इस आईडी से जो एक्टिव है, वो जितने भी नंबर है, मतलब तीन कॉन्टैक्ट है। अगर मैं इनमें से कोई सा भी नंबर को नहीं जानता हूँ, जैसे कि मैं इस नंबर को नहीं जानता हूँ, अगर मुझे ये नंबर बंद करवाना है कि भाई ये मेरे आईडी पे कैसे एक्टिव है, तो आप लोग को बहुत सिंपल करना है, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड करके आप लोग को रिपोर्ट पे क्लिक कर देना, उसके बाद ये नंबर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो काफ़ी यूजफुल था ना, यूजफुल, अभी जाके चेक कर लो। चलिए जानते हैं सेकंड, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने ट्रैवल कर रहे हो या हमें कहीं डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ गई, बट जो हम रियल डॉक्यूमेंट वो तो लाए नहीं है। तो वैसे में दोस्तों आप लोग एक नंबर का यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट नंबर है, ये गवर्नमेंट ने बना रखा है कि इसका मतलब जो आप व्हाट्सएप पे अपनी आईडी सब कुछ मंगा सकते हैं गवर्नमेंट के वेबसाइट से। जी हाँ, आप लोग क्या करना है, जैसे मैंने एक नंबर दे दूंगा यहाँ पे, देखिए दोस्तों ये नंबर है 9013151515, ठीक है दोस्तों, ये गवर्नमेंट का नंबर है, यहाँ पे गवर्नमेंट वेरीफाई भी है, हार्ड डिस्क मतलब ये गवर्नमेंट का एक मेमोरी कार्ड है। तो आप लोग क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हेलो डाल देना है। देखिए मैंने यहाँ पे हेलो डाल दिया, उसके बाद आप लोग को ये कोरोना का पूछेगा तो नहीं, उसके बाद आप लोग क्या करना है डीजी लॉकर नो, आप लोग यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद देखिए डीजी लॉकर नहीं है, ठीक है, अब ये क्या होगा यहाँ पे आ गया ओके। आप लोग को यहाँ पे बस अपना आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर डाल देना है। उसके बाद जितने भी आपके आधार कार्ड से जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब आ जाएगा यहाँ पे। ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल भी मिल रखा है कि अगर आपका कोई चेक कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस वाला या कोई भी, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट दिखा देंगे तो वो अप्रूवल है, वो मतलब कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा। तो काफ़ी यूजफुल चीज़ था, इसको नंबर जरूर सेव करके रखें अपने फ़ोन के अंदर। थर्ड दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि दोनों कैमरा हमारा एक साथ चले। जी हाँ, आप लोग चाहते हैं कि जब ब्लॉगिंग कर रहे हो या फोटो खींच रहे हो या कहीं घूमने गए पहाड़ी इलाके में, तो वैसे में आप चाहते हैं कि हमारा फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों एक साथ चले, तो वैसे लिए दोस्तों आप लोगों को नीचे एक लिंक दे दूंगा, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। देखिए एप्लीकेशन का नाम है डुअल कैमरा रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इसको ऑन करेंगे तो देखिए ऑन करते ही यहाँ पे एक ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करते देखिए हमारा ये फ्रंट का भी खुल रहा है और बैक का भी खुल रहा है। देखिए बैक भी खुल रहा है कैमरा और ये हमारा फ्रंट का भी कैमरा ओपन हो रहा है। मैं चाहूँ तो बड़े अक्षर में बैक का भी कर सकता हूँ और छोटे में फ्रंट का। जी हाँ, देखिए काफ़ी यूजफुल चीज़ है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्ड फोटो के लिए, जब दोनों व्यू लेना चाहते हैं कि बैक का भी और फ्रंट भी, तो इस तरह ये एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए जानते हैं चौथा, ये भी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है। बहुत बार दोस्तों आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए कोई मूवी देखना चाहते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? आप लोग को सीक्रेट वेबसाइट है एक, यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है। देखिए आप लोग यहाँ पर सर्च करना है ऑनियन प्ले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को ऑनियन प्ले सर्च करना है, इसका एप्लीकेशन भी, बट आप लोग एप्लीकेशन नहीं, आप लोग सीधे वेबसाइट पर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद देखिए दोस्तों आपको थोड़ा सा एक सेकंड वेट करना है। एक सेकंड वेट करने के बाद देखिए आ गया ना, यहाँ पे जितने भी नई नई मूवी है, लेटेस्ट मूवी है, सारी मूवी आप लोग को यहाँ पे देखने मिल जाएगी। आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर आपका स्पेस नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन देख लीजिए। या देखिए सारी मूवी आ जाएगी, जितनी भी हॉलीवुड, बॉलीवुड, हिंदी सारी मूवी आ जाएगी, भोजपुरी सारी हॉरर मूवी सब आ जाएंगी, तो आप लोग यहाँ से टाइम पास कर सकते हैं मूवी देख के। चले जानते हैं पाँचवा, ये भी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है दोस्तों। अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा ना, एक लाइक तो बनती है, वीडियो फटाक से लाइक कर दो। पांचवी सीक्रेट जाने से पहले, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है, जैसे कि मेरे दोस्त परेशान कर रहे हैं, मेरे से मजाक कर रहे हैं, या कोई अननोन बंदा, हम उसका नाम जानना चाहते हैं कि उसका नाम एक्चुअल में क्या है, तो आप लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ट्रू कॉलर का। बट ट्रू कॉलर पर भी बहुत बार ऐसा रियल नेम नहीं आता, जो आप लोगों ने ट्रू कॉलर पर नाम डाला होगा वही नाम आप लोग देख सकते हैं। बट इसका एक मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग रियल नेम एक्चुअल में जान सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि सभी यूपीआई चलाते हैं, तो आप लोग क्या करना है उसका नंबर सिंपल सी देखिए। जैसे मेरे को इस नंबर से बार बार कॉल आ रहा है, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे करके अब यहाँ पे टैप कर दूंगा, यहाँ पे इसका नाम भी डाल देना है, ठीक है। आप लोगों को नाम डालते देखिए, इसका नाम ये है तनवीर,
ठीक है दोस्तों, आपका नाम भी पता चल गया और एक्चुअली में इसका डिटेल्स भी पता चल सकता है कि ये कौन सा बैंक है, सब कुछ पता चल सकता है इसका एड्रेस भी। तो अगर आपको किसी को जानना है रियल नेम और उसका मतलब डिटेल्स, तो आप लोग यहाँ पे नाम डाल के UPI पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि 90% आपको पता चल जाएगा। 10% अगर उसने UPI नंबर नहीं ऐड कर रखा उससे तो नहीं पता चलेगा। ऐसे में सभी के पास अब एक दो सिम होता है, उससे अकाउंट ऐड रहता है, तो आप लोग जान सकते हैं काफ़ी आसानी से। चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो, यूजफुल हो, तो एक लाइक तो बनती है, वीडियो पर एक्स्ट्रा लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं मेरे से, टेक्निकल गोविंद इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो तक बंदे।